तो दोस्तों कुछ इस तरह के शादी का टेम्पलेट बनाना चाहते हो मोबाइल फोन से तो कैसे बनाना है इस वीडियो में पता चलने वाला। तो वीडियो को अच्छा से देखना तभी कुछ इस तरह के शादी का टेम्पलेट को बना सकते हो और इसमें किसी भी तरह का एडिटिंग एक्चुअली बहुत ही आसानी तरीका से कर सकते हो। तो कुछ इस तरह के शादी का टेम्पलेट बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है पिक्सेल ऐप। प्ले स्टोर से आप सर्च कर लेना है पिक्सेल ऐप को। जैसे सर्च करोगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन कर लेना है। तो ओपन करने से पहले बता दो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको पीएलपी फाइल डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पे पासवर्ड मांगेंगे तो पासवर्ड आपको स्क्रीन पे शो होता होगा। उस पासवर्ड को आपको टाइप कर देना है और टाइप करते ही आपका फाइल अनजिप हो जाएगा। अनजिप होने के बाद आपको पिक्सेल ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहां पे जैसे ही ओपन हो रहा है तो थोड़ा वेट कर लेना। जैसे ही यहां पे देख लो उस पर आपको थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है। थ्री डॉट पे क्लिक करते ही ओपन पीएलपी फाइल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पे जैसे कि आप देख रहे हो तो यहां से पीएलपी फाइल पे क्लिक करके और यहां से आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरह के दही चूड़ा का कुछ इस तरह का पोस्टर। तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपकी पिक्सेल ऐप में आ जाएगा। अगर आप चाहते हो इसमें किसी भी तरह का एडिटिंग करना तो कैसे करना है पता चलने वाला। तो यहां पे आपको क्लिक कर देना है और यहां पे क्लिक करने के जैसे कि आप देख रहे हो कि यहां पे सारा कुछ लॉक है तो आपको यहां से अनलॉक कर देना है। तो अनलॉक करना है जैसे कि यहां पे अपने नाम को ऐड करना चाहते हो तो नाम को ऐड करने के लिए यहां पे थोड़ा ऊपर कर लेना है और ऊपर करने के बाद यहां पे जैसे कि देख रहे हो कि यहां पे किसी भी नाम को ऐड करना चाहते हो तो यहां से अनलॉक हो चुका है। अनलॉक पहले से ही था तो आपको यहां से कर लेना। और यहां पे अगर नाम को अपना किसी भी लड़की का नाम लिखना चाहते हो जिस भी लड़की से आपका शादी हो रहा है या अपने मित्र या अपने किसी भी फ्रेंड का शादी हो रहा है तो उस लड़की का यहां पे नाम लिख देना जैसे कि डबल टैप करके। उसके बाद यहां पे उसके बाद इसका ओके कर देना। ओके करने का यहां पे लड़का का नाम लिख देना जिस भी लड़का से शादी हो रहा है। उसके बाद यहां पे अगर चाहते हो कि यहां पे एड्रेस लिखना तो एड्रेस को भी सिलेक्ट करना। जैसे कि यहां पे सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो यहां पे आपको क्लिक कर देना है। और यहां से क्लिक करने के बाद आपको यहां से जैसे कि यहां पे देख रहे हो तो इस पे क्लिक करके इसे अनलॉक करने के बाद आपको फिर से इस पे क्लिक कर देना है। और यहां पे चाहते हो कि जैसे कि यहां पे देख रहे हो कुछ इस तरह से फिर से यहां पे जो भी एड्रेस है जिस भी जहां पे भी बारात जा रहा है वहां का एड्रेस यहां पे दे देना। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर देना और कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना। अगर एडजस्ट यहां से नहीं होता इसे बड़ा छोटा करना चाहते हो तो यहां पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां से थोड़ा आगे की ओर बढ़ा लेना। उसके बाद टिक्स यहां से साइज को ले लेना और साइज को छोटा बड़ा यहां से कर सकते हो अपनी मनमानी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसे भी यूनिक सा कलर डालना चाहते हो तो आपको कलर डालने के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि कलर से यहाँ से कोई सा भी कलर को डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे देख रहे हो रेड को भी डाल सकते हो। सही वाले बटन पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ से फॉन्ट को बहुत सारे फॉन्ट भी देखने को मिलेगा। जो भी फॉन्ट को आप लगाना चाहते हो उस सारे फॉन्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बता दो कि अगर पीछे का बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से अपनी यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ से जिस भी कलर को लगाना चाहते हो उस कलर को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि कुछ इस तरह से कलर लगा सकते हो। उसका सही वाले बटन पे क्लिक कर देना है। और अगर चाहते हो कि यहाँ पे कुशवाहा परिवार को चेंज करना तो यहाँ पे अपनी परिवार का नाम लिख लेना जिस भी परिवार से आपका धर्म हो उस परिवार का यहाँ पे नाम लिख देना। उसके बाद यहाँ पे चाहते हो कि शुभ विवाह की जगह पे कुछ और भी लिखना तो आप यूनिक सा लिख सकते हो। यहाँ पे डेट और डेट उट चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे शुक्रवार जैसे कि जौन सा भी दिन आपका शादी हो रहा है उस दिन का यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पे अपनी फोटो को लगाना चाहते हो तो फोटो लगाने के लिए आपको प्लस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम गैलरी को ले लेना है और फ्रॉम गैलरी को लोगे जैसे ही तैसी आपका यहाँ पे फाइल ओपन होगा। जैसे कि आपकी गैलरी ओपन हो रहा है तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगर चाहते हो कि अपने फोटो लगाना है या जिस भी लड़का या लड़की का शादी है उसका फोटो लगाना चाहते हो तो आप लगा लेना। तो मैं यहाँ पे किसी का भी फोटो को यहाँ पे अपनी फोटो को लगा देता हूँ जैसे कि आपको दिखाने के लिए। कुछ इस तरह से अपनी फोटो को यहाँ पे लगा लेना और आपका फोटो बहुत ही मस्त मस्त बनवा लेना और बना करके यहाँ पे लगा करके अपना फोन बना सकते हो। तो इसमें आसानी तरीके से बता दिया हूँ कि कैसे आपको कुछ इस तरह के पोस्टर शादी पोस्टर टेम्पलेट बना। जैसे इस तरह से पोस्टर बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद सेव इस पर क्लिक कर देना। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो सेव एज इमेज पर क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो डिफॉल्ट की जगह पे एक अल्ट्रा का सेटिंग कर लेना है और उसका सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी एकदम HD फुल। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल बटन पर सेलेक्ट करें। यहाँ पे आप सबको पोस्टर से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलता है और मिलता रहेगा। तो किसी न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।